प्रतिमा है साहब, कम से कम 1500 साल पुरानी है। अच्छा, राजा महाराजा के टाइम की यह स्थापना हुई। सही राज निकले नहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज अपना स्टे आज यहीं पर रहेगा, मंदिर पे जहाँ कल स्टे किया था। आज पूरे दिन यहीं रुकूँगा क्योंकि ना मुझे अपने कपड़े भी धुलने हैं थोड़े, और हर जगह यार जगह नहीं मिलती है, हर जगह टाइम नहीं मिलता है, तो आज यहाँ स्टे किया जाएगा। अभी जस्ट कैंप से बाहर निकला हूँ तो अभी आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए सामने आसमान का नज़ारा, ये देखिए है ना यार प्यारा। और भी देखिए नज़ारे, ये मंदिर है, सुबह सुबह की धूप पड़ रही है, कितना प्यारा लग रहा है मंदिर। सुबह की यार बात ही अलग होती है, हर कुछ प्यारा प्यारा सा लगता है। ये देखिए मेरी परछाई कितनी लंबी है, मेरी छाया देखिए सूरज नारायण निकल आए। आज ना यार बादल हैं, पता नहीं यार कपड़े धुलेंगे सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, पता नहीं सकते हैं। तो चलिए सुबह सुबह आपको दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज के। ये है देखिए, पंडित जी से पूछते हैं इसके बारे में, बताइएगा पंडित जी। ये प्रतिमा है साहब, कम से कम 1500 साल पुरानी है। अच्छा, राजा महाराजा की टाइम की यह स्थापना हुई है। ये बाल रूप है। अच्छा, बाल रूप में है अभी। बाल रूप अंदर शिव जी का मंदिर है ना, महानाल मंदिर, महानाल मंदिर। अच्छा। उसके साथ की यह प्रतिमा है। अच्छा, तो ये कीजिए दर्शन। ये कुछ इस टाइप से मंदिर है। हाँ, सब दिखा दो। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर काफी दूर से लोग आते हैं, कल मैंने देखा बहुत भीड़ लगी रहती है। बहुत बहुत। तो चलो चलते हैं कैंप के अंदर। आज ना वीडियो एडिट करनी है, रात में वीडियो एडिट की नहीं थी, तो कैंप के अंदर चलते हैं थोड़ी वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप। तो अभी मैं हूँ उसी सराय के अंदर और अपना नाश्ता हो चुका है। कुछ भाई लोगों की तरफ से ऑफर था, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो कि, तो बस अभी कैंप के अंदर ही चलते हैं। क्या किया जाए यार, बैठेंगे ही आज, कपड़े धुलने हैं, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है यार, धुलने से सूखेंगे या नहीं सूखेंगे इसका कोई पता नहीं है यार। देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है बाहर। देखो यहाँ पर लंगूर आ चुके हैं, देखो बाहर बैठे हुए हैं। देखो ये भाग रहे हैं। तो अभी मैं अपने सारे कपड़े धुल के आ गया हूँ, और ये रस्सी है अपने पास, तो चलो इसे बांधते हैं। इसी के अंदर बांधना होगा क्योंकि बाहर तो बंदर ले जाएंगे, और धूप भी नहीं है बाहर यार। अरे यार ऐसे टाइम पे कपड़े धुल लिए हैं, अब देखते हैं सूखते हैं कि नहीं। चलो बांधते हैं रस्सी सबसे पहले। सुबह तो ना केवल थोड़ी थोड़ी सी बदल रही थी, देखो पानी बरसने लगा है, देखो दिख रहा है, ये हल्की हल्की सी बूंदें पड़ने लगी हैं। सही राज निकले नहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, बस इतनी ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम, इतनी ना होती, लेकिन फिर भी चलो रेस्ट भी ले लिया है आज, और कपड़े भी धुल दिए हैं। अब कपड़ों का यार बस यही प्रॉब्लम है, सूखेंगे कल तक या नहीं सूखेंगे कोई खेल नहीं सकते हैं, देखते हैं सूखे या नहीं। ये तो सूख गया है,
ये भी सूख गया है, लोवर अभी नहीं सूखा है, और बनियान भी हल्की हल्की सूख गई है। ये बनियान अभी गीली है, देखो पानी निकल रहा है। ये ना मोटी है ना बनियान, इस वजह से। तो अभी मैं जस्ट लेटा ही था, एक बाबा जी आए हैं जो कि आगरा से हैं और मथुरा से सोमनाथ की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो बस बाबा जी से मिलाते हैं आपको। बाबा जी आप कहाँ से? आगरा से। और आप कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? मथुरा से सोमनाथ। अच्छा, आपका सोमनाम? गिरजानंद गिरी। अच्छा, आप तो मथुरा रहते हैं या फिर आगरा ही रहते हैं? मैं भरतपुर रहता हूँ। भरतपुर, गुरु के स्थान पर। अच्छा, तो ये है बाबा की साइकिल। कुछ ये बाबा का सामान रखा हुआ है। तो बस यार मिलके बहुत बढ़िया लगा बाबा से। बाबा भी आज यहीं स्टे करेंगे। मैं तो एक दिन यहाँ पर रुका हूँ, कल ही आ गया था, आज भी रुका जैसे आपको पता है। और कपड़े वगैरह धुल दिए थे, कुछ सूख गए हैं कुछ सूख रहे हैं। बस बने रहिए वीडियो में, एंजॉय करते रहिए वीडियो को। आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है यार। तो ये आ चुकी है अपनी बाटी और बाबा जी के लिए। तो बस दोनों लोग खा रहे हैं बाटी, खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। अभी यार बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन इस हवा में ना इतने टाइम मज़ा आ रहा है। सर्दी भी नहीं लग रही है, इतने टाइम मज़ा आ रहा है इस हवा में। बस दिन में यार ये अपोजिट ना चले यार, क्योंकि ना साइकिल चलाने बड़ी प्रॉब्लम होगी यार। फिर अभी चल रही जितनी चलनी है। आह, आप मेरे बालों में समझ सकते होंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है।